जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज की वीडियो स्पेशली उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो दूर दराज गांव क्षेत्रों में रहते हैं और वहां UPSC CSE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको बताती रहती हूं कि UPSC CSE एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप दो चीजें जरूर देखें, एक है सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और सेम यही बात आपको टॉपर से भी सुनने को मिलेगा और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां पर भी आपको यही सुनने मिलेगा। वो इसलिए कि ये जरूरी भी है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो पहले उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो जरूर देखें। अब जब आप UPSC CSE एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पेपर देखना है और मेंस के भी देखना है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसका आंसर शीट तो आपको मिल जाएगा, UPSC की अपनी ही वेबसाइट पे होता है वो। UPSC की वेबसाइट पर ही आपको मेंस के भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट पर जाकर के UPSC CSE के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 4 से 5 साल के वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे और जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसके भी मिल जाएंगे। जब आप UPSC CSE के मेंस के पेपर देखेंगे तो उसमें एक सवाल और आएगा आपके मन में कि आखिर इनका आंसर कैसे लिखा जाए, हमको कैसे पता चले कि इसका आंसर लगभग ऐसे लिखा जाना है, क्या इसमें फैक्ट्स ऐड करने हैं और क्या इसमें अभी करंट की न्यूज में जो चीज़ें चल रही थी उसको ऐड करना है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर पर रह करके अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना है और उसके जो मॉडल आंसर है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से तैयार किए गए हैं और दिल्ली जैसे एरिया में सबसे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो आप उसको देखें, उसी से आप सीखें कि कैसे आंसर राइटिंग करना है। दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर दो फोटो दिखाई दे रहा होगा, एक है IAS प्रीलिम्स सॉल्व पेपर और दूसरा है IAS मेंस सॉल्व पेपर। ये दृष्टि IAS के तरफ से तैयार किया गया है और वो लोग इस बुक को पब्लिश किए हुए हैं ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इस बुक को पढ़ें और अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो मेंस सॉल्व पेपर की जो बुक है वो आप मंगा सकते हैं। 2013 से लेकर के अभी 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर इन्होंने उसके मॉडल तैयार किया हुआ है, सारे फैक्ट्स इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप इसे ले सकते हैं और उसके बाद आप अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें फैक्ट्स रखने हैं, क्या क्या न्यूज़ आता है जिसको इसमें ऐड किया जाता है और किस तरीके से इसको एक आंसर का प्रारूप दिया जाता है, ये भी आप समझ पाएंगे। आप सभी ने तो सुना ही होगा कि UPSC CSE एग्जाम की तैयारी करना इतना आसान नहीं है जितना सब लोग समझते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी तैयारी करने में जो समय लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं और हर चीज़ ध्यान में रखना होता है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि इसमें जो क्वेश्चन आता है, अगर आप उस क्वेश्चन को समझ जाएं वही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा अजीब है। लेकिन UPSC CSE एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो उन सभी के लिए आसान होता है। ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जो गांव में हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के वजह से दिल्ली नहीं जा पाते हैं, वहाँ कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो परेशान नहीं हो। आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें और प्रीलिम्स और मेंस का भी देखें। इसका आंसर आपको देखना है, मॉडल आंसर देखना है, तो आप दृष्टि के जो ये मॉडल आंसर तैयार किया गया है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, आपके घर तक वो पहुंचा देंगे। इसके लिए आप चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहें, अमेजोन से मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, या डायरेक्ट दृष्टि IAS की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर जा करके मंगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना कहना चाहूँगी कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो गांव में रह करके तैयारी कर रहे हैं, परेशान नहीं हो, बुक मंगा लें, वहीं पर पढ़ाई करें। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तैयारी से रिलेटेड, या कौन सी बुक लें, कैसे लें, ज़रूरी है नहीं है, कोई भी ऐसे डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूँगी रिप्लाई करूँगी या वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और अगर इंस्टाग्राम पर मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप परेशान नहीं हो, मैं आपका अगर क्वेश्चन देख ली होंगी तो उस पर वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से मैं आपको जानकारी जरूर दे दूँगी।
दोस्तों, मैंने यूपीएससी पीएससी विद मनीषा के नाम पर इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई हुई है, जहां पर यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट चीजें बता दी जाती हैं। साथ में आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अपलोड किया जाता है। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है आप वहां पर देख सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा वो वहां पर मिल जाएगा आपको।